जो पल्ले होते हैं उनमें लंबा कब्जा लगाना बताऊंगा कि हम लंबा कब्जा किस प्रकार से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लंबा कब्जा है, ये आधा पौना का कब्जा है। आप देख सकते हैं इधर से ये आधा इंची है और इधर से ये पौना इंची है। इस अलमारी के पल्ले के अंदर हम ये लंबा वाला कब्जा लगाएंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स आप जानते हो कि लंबा कब्जा जब लगाते हैं तो अधिकांश कारपेंटर डायरेक्ट इस बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से कब्जा लगा देते हैं, तो ये कब्जा सामने से दिखता रहता है, तो उससे हमारी अलमारी वगैरह की लुक भी खराब हो जाती है। हमें इस प्रकार से लंबा कब्जा नहीं लगाना, हम इस लंबे कब्जे को इसमें गलाकर लगाएंगे। अगर आपको ये लंबा कब्जा गलाकर लगाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको ये लंबा कब्जा लगाना आ जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात, अगर मेरी वीडियो को देखते तो काफी कारपेंटर भाई है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। इसको गलाने के लिए हमें इस प्रकार की कटर मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें ये ठल लगा के बांध लेनी है इस कब्जे के अकॉर्डिंग। अगर आपको कटर मशीन की ये प्लेट और ठल बनानी नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उधर मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है। कब्जे की जितनी मोटाई है उतना हम इसे नाप के बांध लेंगे इस कटर के इस वाले हिस्से तक, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर चलेगा। तो हमारे कब्जे की मोटाई 150 सूत है, तो हम 150 सूत पे इसे बांध लेंगे। पहले हम एक सादा बोर्ड के ऊपर इस कब्जे का खांचा गलाकर देखेंगे, अगर वो सही होगा तो हमारे पल्ले पर गलाएंगे, अगर कोई कमा बेसी है तो उसमें ही हम उसे ठीक कर लेंगे। जो हमारा ये कटर इतना बाहर निकला हुआ होना चाहिए कि जो हमारे ये बोर्ड की बीनियर है ये साफ क्लियर दिखे। तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल सही बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कब्जा बिल्कुल सही लग चुका है, ये जो हमारी टक्कर है इसके बिल्कुल लेवल में है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा सही है तो अब इसे हम पल्ले पर गला लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वाला कट तो हमने लगा दिया है, अब इसका ये वाला कट भी हम कटर मशीन से ही लगाएंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसे 150 सूत बाहर निकाल रखा है कब्जे की बरोबर मोटाई के। अब कटर मशीन हम इस पर इस प्रकार से चलाएंगे तो ये वाला हिस्सा है जो कट के अलग हो जाएगा, इस पर हम कब्जे लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा कट के अलग हो चुका है। तो कब्जे को थोड़ा सा इस प्रकार से टेपर काटे, अगर पल्ले में हिस्सा भी लगाना पड़े तो हमारा कब्जे के रंधा टच नहीं हो। तो इसका ये आधा इंची वाले हिस्से को पल्ले की तरफ लगाएंगे और जो ये पौना इंची वाला हिस्सा है ये हमारा अलमारी के बॉक्स में जाएगा इस प्रकार से। शुरू में एक एक पेज छोड़ के कसे, फिर बाद में पूरे पेज कस देंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल में ये कब्जा हमारा लग के तैयार है। अब इसे हम अलमारी के अंदर कस के दिखाते हैं आपको कि ये कितना बढ़िया चलता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये चैनल वाला कब्जा लगाना कितना आसान है। अगर आप मेरी तरह से ही चैनल वाला कब्जा लगाएंगे तो आप बड़ी ही आसानी से चैनल वाला कब्जा लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।